ईसा से 3 सदी पहले जब मैसेडोनिया का विश्व विजेता सम्राट सिकंदर मर चुका था और उसके ग्रीक उत्तराधिकारी जब लगातार पूर्व की तरफ अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे थे, उसी वक्त भारत में एक नए सम्राट का उदय होता है और ये सम्राट थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य। अशोक प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। वो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने एंशियंट इंडिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उनका यह साम्राज्य मॉडर्न डे ईरान तक फैला हुआ था और मॉडर्न हिस्टोरियंस तो अशोक को उनके समय का सबसे महान शासक भी मानते हैं। पर ऐसा क्यों? इतिहास में अशोक अकेले तो ऐसे राजा थे नहीं जो इतने शक्तिशाली थे, तो फिर सिर्फ वही महान क्यों? और तो और कई सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो ये भी बताते हैं कि अशोक अपने शासनकाल के शुरुआती दौर में बेहद ही क्रूर थे। उन्होंने अपने विरोधियों को निपटाने के लिए अशोक के नर्क का निर्माण करवाया था, जहां पर उनके विरोधियों को दिल दहला देने वाली यातनाएं दी जाती थी। चाइनीज स्कॉलर फाइयान जब भारत आते हैं तो वे लिखते हैं कि अशोक को देखने पर ऐसा लगता है मानो वे खुद नर्क जाकर अलग अलग तरह की यातनाएं सीख कर आए हैं। तो प्रश्न ये है कि अशोक महान क्यों थे? ये समझने के लिए आपको अशोक, उनके शासनकाल और कलिंग युद्ध के बारे में जानना पड़ेगा। अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध ही वो मोड़ था जिसने इतिहास के सबसे क्रूर राजा को सबसे महान राजा में परिवर्तित किया। क्या हुआ था कलिंग युद्ध में और कौन थे सम्राट अशोक, चलिए जानते हैं। बिगनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड अशोकाज रेन। साल 327 ईसा पूर्व में जब सिकंदर नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर हमला करता है, तब यहाँ पर उसका सामना पूर्वी भारत के नंद सम्राट धनानंद से होता है। सिकंदर के पास उस वक्त एक बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन उसे धनानंद की ताकत का अंदाजा नहीं था। धनानंद के पास सिकंदर से भी 5 गुना बड़ी आर्मी थी और ये बात जब सिकंदर की सेना को पता चली तो वो भारत पर हमला करने से इनकार कर देती हैं और मजबूरन सिकंदर को वापस लौटना पड़ता है। लेकिन उसके इस हमले के कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर धनानंद की पकड़ कमजोर हो जाती है और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए साल 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य इसी उत्तरी पश्चिमी भाग में मौर्य वंश की नींव रखते हैं और धीरे धीरे नंद साम्राज्य का खात्मा करके एक अखंड भारत का निर्माण करते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त लगभग अगले 24 सालों तक भारत पर शासन करते हैं और साल 297 ईसा पूर्व में उनकी मौत के बाद उनके बेटे बिंदुसार अगले सम्राट बनते हैं और बिंदुसार के साथ ही शुरू होती है कहानी उनके उत्तराधिकारी और दूसरे बेटे अशोक मौर्य की। कहा जाता है कि सम्राट बिंदुसार की 101 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा था सुसीम और उसके बाद थे अशोक। अब अशोक थे तो महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और सम्राट बिंदुसार के पुत्र, लेकिन उनका बचपन एक राजकुमार की तरह नहीं बीता क्योंकि उनके पिता बिंदुसार हमेशा से ही उनसे नफरत करते थे। बिंदुसार को सिर्फ अपना बड़ा बेटा सुसीम ही प्रिय था। बिंदुसार के इस नफरत के पीछे 2 कारण थे। पहला तो ये था कि जहाँ एक ओर सुसीम की माँ एक राजकन्या थी, वहीं अशोक की माँ सुभद्रांगी एक साधारण महिला थी, और दूसरा ये कि अशोक के जन्म से ही उनकी त्वचा काफी रूखी सूखी थी, इसलिए वो दिखने में भी इतने सुंदर नहीं थे। आगे चलकर बिंदुसार की इस नफरत ने अशोक के लिए कई मुश्किलें खड़ी की, लेकिन फिर भी अशोक थे तो एक राजकुमार, इसलिए बचपन से ही उन्हें एक राजकुमार की तरह ही शिक्षित किया गया। इसी दौरान तक्षशिला में एक बड़ा विद्रोह हो जाता है। अशोक को उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है। उस वक्त अशोक की उम्र महज 18 साल थी, लेकिन फिर भी वो एक कुशल सेनापति थे। अशोक जब इस विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला पहुंचने वाले थे तो वहां पर उन्हें पता चला कि सम्राट बिंदुसार ने यहाँ पर उनके साथ एक चाल चली। उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को एक बड़ी सेना तो दे दी, लेकिन उस सेना को एक भी हथियार नहीं दिया। अब ये खबर थी तो परेशान करने वाली, लेकिन अशोक जब इसके बारे में सुनते हैं तो उनके चेहरे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं थी। अशोक कहते हैं कि क्या हुआ जो सम्राट ने उन्हें हथियार नहीं दिए, उन्हें हथियार धरती देगी। और जब अशोक तक्षशिला पहुंचते हैं तो वैसा ही होता है जैसा उन्होंने सोचा था। अशोक को देखते ही तक्षशिला के लोग बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांति से विद्रोह खत्म कर देते हैं और अशोक का फूलों के साथ स्वागत करते हैं। तक्षशिला के इस विद्रोह के खात्मे से पाटलिपुत्र में बैठे बिंदुसार को अशोक की योग्यता का अंदाजा हो जाता है, लेकिन वो अब भी अशोक को सम्राट बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। तक्षशिला के बाद अशोक को अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है और यहीं से अशोक और उनके बड़े भाई सुसीम के बीच अगला मौर्य सम्राट बनने की लड़ाई शुरू हो जाती है।
द बिगनिंग ऑफ द क्लेश बिटवीन अशोका एंड सुसीम। अवंती का राज्यपाल बनने के बाद अब बिंदुसार के प्रधानमंत्री राधा गुप्त समेत उनके अधिकतर मंत्रियों का झुकाव अशोक की तरफ बढ़ने लगा। इसी दौरान साल 274 ईसा पूर्व में बिंदुसार बीमार पड़ते हैं और मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी तय करना था और अशोक इसके लिए सबसे योग्य थे, लेकिन फिर भी बिंदुसार सुसीम को ही राजा बनाना चाहते थे। उस वक्त सुसीम एक विद्रोह का दमन करने के लिए तक्षशिला में थे। बिंदुसार अपने प्रधानमंत्री राधा गुप्त को सुसीम को उनके पास बुलाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर राधा गुप्त सुसीम की बजाय अशोक को बुला लेते हैं। इस तरह बिंदुसार के ना चाहते हुए भी उनकी मौत के बाद राधा गुप्त की मदद से अशोक मगध के नए सम्राट बनते हैं। ये खबर जब सुसीम को मिलती है तो अशोक के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, लेकिन अशोक सिर्फ 4 साल में ही इस विद्रोह का दमन करने में सफल होते हैं और यहीं से शुरू होता है अशोक का शासन और उनकी क्रूरता। अशोकाज रेन। बौद्ध ग्रंथ महावंशा और दीपावंशा के अनुसार राजा बनने के बाद अशोक न सिर्फ सुसीम को बल्कि अपने बाकी बचे 98 भाइयों को भी मौत के घाट उतार देते हैं। वे सिर्फ अपने छोटे भाई तिस्या को ही जिंदा छोड़ते हैं। हालांकि संस्कृत ग्रंथ अशोकावदान में इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। सम्राट बनने के बाद अशोक जानते थे कि अगर उन्हें इतने बड़े साम्राज्य को संभालना है तो उन्हें सख्त बनना पड़ेगा, और इसी के चलते अशोक इतने क्रूर बन जाते हैं कि वो अपने खिलाफ होने वाले हर छोटे से छोटे विद्रोह को भी बड़ी ही बेरहमी से कुचल देते थे। अपने विरोधियों को सजा देने के लिए अशोक ने अशोकाज हेल यानी अशोक के नर्क का भी निर्माण करवाया। ये एक ऐसा भवन था जो कि बाहर से दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन अंदर से ये एक टॉर्चर रूम था जिसमें गिरिका नाम का एक जल्लाद रहता था, जिसके साथ अशोक ने ये समझौता किया था कि अगर कोई भी एक बार इस नर्क के अंदर आ गया तो वो वापस बाहर जिंदा नहीं निकलना चाहिए, फिर चाहे वो खुद अशोक ही क्यों ना हो। गिरिका अक्सर इस नर्क में आने वाले लोगों को या तो पिघला हुआ लोहा पिलाता था या फिर उस लोहे को उनके ऊपर डाल देता या उस इंसान को सीधे ही लोह पिघलाने वाली भट्टी में फेंक देता। इन सब के अलावा अशोक की क्रूरता की एक और कहानी भी काफी मशहूर है। कहते हैं कि अशोक की चमड़ी काफी रूखी सूखी थी, इसलिए उनकी कई दासियां उन्हें छूना पसंद नहीं करती थी, जिससे एक बार अशोक को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उन सभी दासियों को जिंदा जला दिया। साल 270 ईसा पूर्व में जब अशोक मगध के सम्राट बने तब उनके समकालीन राजाओं में चक्रवर्ती यानी सम्राटों का सम्राट बनने की होड़ थी और अशोक भी चक्रवर्ती का खिताब चाहते थे। इसी के चलते अशोक अनगिनत युद्ध लड़ते हैं और वे अपने साम्राज्य को हिमालय से लेकर मैसूर तक और हिंदुकुश से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला देते हैं। जब अशोक राजा बने थे तब तो वे चक्रवर्ती बनने के लिए ये सारे युद्ध कर रहे थे, लेकिन बाद में ये युद्ध अशोक की मजबूरी बन गए, क्योंकि जैसे जैसे अशोक अपने राज्य को फैला रहे थे उन्हें उसे संभालने के लिए ज्यादा धन की जरूरत थी और ये धन उन्हें जमीन पर लगने वाले टैक्स से मिलता था और इस टैक्स के लिए अशोक को और जमीन की जरूरत होती थी। सम्राट बनने के बाद अगले सिर्फ 8 सालों में ही अशोक के पास पूरा भारत था। उनके पास हर वो तटीय प्रांत था जहाँ से व्यापार होता था, लेकिन इसी वक्त एक प्रांत ऐसा भी था जो अशोक की पकड़ से बहुत दूर था और ये प्रांत था कलिंग। कलिंग भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसे मौर्य कभी नहीं जीत पाए। अशोक से पहले उनके दादा चंद्रगुप्त और उनके पिता बिंदुसार ने भी कलिंग को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल ही रहे। पर इस बार बारी अशोक की थी और अशोक तो अपने दादा और पिता से कई गुना शक्तिशाली थे। उनके पास तो इतना धन और सेना थी कि वो पूरी दुनिया पर जीत प्राप्त कर सकते थे, तो फिर कलिंग तो उनके सामने था ही क्या। और यही सोचकर साल 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस युद्ध से पहले अशोक ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होने वाला था। अशोका एंड कलिंग वॉर। अब अशोक कलिंग पर हमला तो कर देते हैं, लेकिन कलिंग भी कोई छोटा मोटा प्रांत नहीं था। कलिंग की सेना अशोक के इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देती है। इस हमले के दौरान अशोक खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए ये पूरा युद्ध उनकी आंखों के सामने ही लड़ा जा रहा था। मौर्य सेना शुरुआत से ही कलिंग की सेना पर भारी थी और अशोक ये युद्ध जीत भी रहे थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ये युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था अशोक दुखी हो रहे थे। जब युद्ध खत्म हुआ और अशोक के सेनापति ने उन्हें विजय की सूचना दी तो अशोक खुद रणभूमि में गए और वहां पर उन्होंने जो देखा
उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। अशोक देखते हैं कि पूरी रणभूमि कीचड़ से भरी हुई थी, लेकिन ये कीचड़ धूल मिट्टी का नहीं बल्कि इंसानों के मांस और खून का था। चील कौवे मरे हुए लोगों की लाशें नोचने के लिए तैयार थे। कई बच्चे अपने मरे हुए माँ बाप के पास बैठे रो रहे थे और कई माएं अपने बेटों को खोने का दुख मना रही थी। कलिंग के इस युद्ध में तकरीबन 1,00,000 लोगों की जान गई और 1,50,000 लोग विस्थापित हुए। इन 1,00,000 लोगों के अलावा इस युद्ध के खत्म होने के बाद भी इसके कारण कई और जाने गई। इस युद्ध के दौरान कलिंग की सीमा पर लाखों की तादाद में लाशें फैल गई जो धीरे धीरे सड़ने लगी और इनसे कलिंग में कई महामारियां फैल गई। अशोक ने जब ये मंजर अपनी आंखों से देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया था। युद्ध के बाद अशोक कलिंग जाते हैं और वहाँ के लोगों से इस भीषण नरसंहार के लिए माफी मांगते हैं। अशोक संभवतः इतिहास के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने किसी राज्य पर जीत प्राप्त करने के बाद वहाँ के लोगों से अपने किए के लिए माफी मांगी हो। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वह ये तय कर लेते हैं कि अब वो इस तरह का युद्ध दोबारा कभी नहीं करेंगे और यहीं से धीरे धीरे उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ भी बढ़ने लगता है। इसी दौरान अशोक के राज्य में निग्रोध नाम के एक बौद्ध भिक्षु आते हैं। निग्रोध ही वो बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि ये निग्रोध कोई और नहीं बल्कि अशोक के बड़े भाई सुसीम के बेटे थे। ये बात जब अशोक को पता चलती है तो वो खुद भी काफी आश्चर्यचकित होते हैं। हालांकि अशोक ने निग्रोध के पिता की हत्या की थी लेकिन फिर भी उनके मन में अशोक के लिए कोई द्वेष नहीं था। बौद्ध बनने के बाद अशोक बुद्धिज्म को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ले जाते हैं और खुद भी अपने साम्राज्य विस्तार को बंद कर देते हैं और यहीं से अशोक महानता की तरफ भी बढ़ जाते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि अशोक ने अपनी ताकत कम की, बल्कि अशोक अब भी अपने विरोधियों को कड़ी से कड़ी सजा देते थे और उनके पास अब भी उतनी ही विशाल सेना थी जितनी पहले हुआ करती थी। बदलाव सिर्फ इतना था कि अब अशोक दूसरे राज्य पर हमला नहीं करते थे। खुद बौद्ध बनने के बाद भी अशोक अपने राज्य या परिवार में किसी को भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं करते हैं और लगभग 36 सालों तक भारत पर एक छत्र राज करने के बाद साल 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अपने राज्य में जानवरों का शिकार बंद करवा दिया, जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव पर रोक लगा दी और एक आधुनिक प्रशासन की स्थापना की। और सबसे खास बात तो ये है कि अशोक ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे पहले राजा थे और इसीलिए वो महान थे। अशोक की मौत के बाद मौर्य साम्राज्य अगले सिर्फ 50 सालों तक ही और चला। उनके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे कि वे उनकी विरासत को आगे ले जा सके।